ओप्पो फाइंड एक्स 8 जो 24th ऑफ अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है और इस फोन के साथ ओप्पो कलर ओएस 15 को भी लॉन्च करने वाला है और इस बार कलर ओएस 15 में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। कलर ओएस 13 और कलर ओएस 14 में अंडर वाटर एकोस्टिक आइकॉन देखने को मिले थे, लेकिन कलर ओएस 15 में इस बार क्लासिक आइकॉन देखने को मिल जाएंगे। विजुअली देखें तो लुक में रियल सिंपल एंड डेलिकेट लगते हैं। इस बार भी आर्ट प्लस आइकॉन देखने को मिलेगा। सभी ऐप के आइकॉन की डिज़ाइन इस बार मोर यूनिफॉर्म मिलती है। इस बार आइकॉन में भी डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगी और थीम में भी अपग्रेड मिल जाता है। मल्टीपल थीम स्टाइल का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है और थीम में कस्टमाइजेशन भी मिलता है, जैसे कि फोन्स कलर और फोन की थिकनेस ये सभी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फोन की डेप्थ ऑफ फील्ड भी सेट कर सकते हैं। फोन को अनलॉक करने पे इस फोन का आर्टिस्टिक एनिमेशन भी देखने को मिलेगा। आईफोन में भी ऐसी इफेक्ट देखने को मिलती है, लेकिन इस कलर ओएस 15 में ज्यादा स्मूथ इफेक्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंट आर्ट फोन्स भी मिलेंगे और यही फोन्स आप लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर में भी यूज कर सकते हैं और ये ट्रांजेक्शन सिल्की स्मूथ मिलता है। इवन एक साथ 20 एप्स को ओपन करने के बाद भी सेम ही स्मूथनेस देखने को मिलती है। इसमें थर्ड पार्टी एप्स भी इंक्लूडेड है तो भी कलर ओएस 15 में स्मूथनेस सुपर मिल जाएगी और यहाँ पे एनिमेशन की ओवरलैपिंग भी स्मूथ मिलती है। एक ऐप में से एग्जिट होकर दूसरी ऐप को ओपन करने का एक्सपीरियंस भी ढासू मिलता है। आईफोन के साथ एनिमेशन की कंपैरिजन देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा। कलर ओएस 14 में एक ही स्मॉल विंडो का यूज कर सकते थे, लेकिन कलर ओएस 15 में एक साथ दो स्मॉल विंडो का यूज कर पाएंगे। इवन कलर ओएस 14 में ग्लोबल सर्च के एनिमेशन में इश्यू था जो कलर ओएस 15 में फिक्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग बैक नेचुरल मिल जाता है और स्लाइडिंग अप करके एग्जिट करते हैं तो फ्लाई आउट का एनिमेशन मिल जाएगा और ओपन एंड एग्जिट का एनिमेशन भी स्मूथ मिलता है। कई बार यूआई के एनिमेशन में भी फ्रेम ड्रॉप इश्यू देखने को मिलता है, लेकिन कलर ओएस 15 में ये भी सिल्की स्मूथ मिलेगा। एआई में भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस बार सिर्फ पावर बटन को होल्ड करने पे ही नहीं, होम बटन को होल्ड करने पे भी ओप्पो का एआई ओपन हो जाता है और ओपन होने पे एप्पल इंटेलिजेंस की तरह स्क्रीन में आरजीबी मार्क्यू मिल जाएगी और इस एआई के फीचर्स में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। जैसे कि आपने कोई अननोन इंसेक्ट देखा तो आप डायरेक्टली ओप्पो एआई के थ्रू इसको सर्च कर सकते हैं और इस बार कलर ओएस 15 में फ्लूइड क्लाउड का फीचर भी मिल जाता है जो एप्पल डायनेमिक आइलैंड की तरह है। इस फ्लूइड क्लाउड को लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करने पे डिफरेंट एप्लीकेशन में स्विच हो जाता है और टैप करने पे सभी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन विंडो में देखने को मिलेगी और होल्ड करने पे ऐप ओपन हो जाती है और इस फ्लूइड क्लाउड का एनिमेशन भी सिल्की स्मूथ मिलता है। कई सारी एप्स को नोटिफिकेशन अलार्म इवन 3-stage स्विच को भी यहाँ पे देख सकते हैं और कई सारी थर्ड पार्टी एप्स भी इस फंक्शन के लिए सपोर्ट करती है। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, 2-3 दिन में ही ओप्पो की फाइंड एक्स 8 सीरीज लॉन्च होने वाली है तो कलर ओएस 15 के साथ आएगी। और जैसे कि आपको पता है लॉन्च होते ही सबसे पहले अनबॉक्सिंग और डिटेल व्यू वीडियो हमारी ही चैनल में देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले डिटेल व्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that.